डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप भी अपनी स्कॉलरशिप की राशि यानी अपनी स्कॉलरशिप के पैसे को चेक करना चाहते हैं कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है या फिर नहीं, यानी ऐसे कहिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि आपके बैंक अकाउंट में आई है या फिर नहीं, कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव, यहाँ पर बैंक नेम आपको दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बावजूद यहाँ पर अगर देखें इनका अमाउंट कितना आया हुआ है और कब का आया हुआ है, सारी चीज़ आपको लाइव दिखाई जाएगी, आराम से ध्यान से दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपये इनका आया हुआ है, पेमेंट सक्सेसफुल। उससे पहले क्या दिखा रहा था, आप देख सकते हैं 17/3/2022 को इनका पेमेंट आया हुआ है। उसके पहले इनका दिखा रहा था अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा था। काफ़ी सारी स्टेटस को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी, इनका स्टेटस वगैरह भी सही से नहीं शो हो रहा था। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव दिख रही होंगी, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इसके पैसे को, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए मैं सारी चीज़ आपको लाइव दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे सर्च करना है PFMS, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे सही से सर्च नहीं कर पाते, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, PFMS, और सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको स्लाइड करना है नीचे की ओर थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आएंगे, नो योर पेमेंट्स और ट्रैक NSP पेमेंट। अगर आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट जानना है तो नो योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपने NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई किया है तो आपको ट्रैक NSP पेमेंट पर क्लिक करना है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आप अपना केवल बैंक भरेंगे, बैंक नेम और अकाउंट नंबर, या फिर अगर आपको बैंक और अकाउंट नंबर नहीं मालूम है तो आपको केवल NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है और कैप्चा भरना है, और डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ पे नीचे कुछ सर्च कर देख सकते हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सर्च कर देना है। आपको मैं अब लाइव दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको ओपन किया था वो, तो केवल आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और यहाँ पे कैप्चा भरना है, उसके बाद से सर्च पे क्लिक करना है। चलिए मैं ब्लर करके भरता हूँ। अब देखिए ये सारी चीज़ें भरी जा चुकी है, इंटर NSP एप्लीकेशन आईडी भरा जा चुका है और वर्ड वेरिफिकेशन यानी कैप्चा भी भरा जा चुका है। थोड़ी चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी एजेंट के लिए। अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा आप नीचे की ओर यहाँ पे स्लाइड करना है। अब देखिए जैसे ही नीचे की ओर स्लाइड करेंगे, अभी मैंने आपको जो खोला था वो आपका आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी भी आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपका आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और आपको थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे भी देख लेना है कितना पेमेंट आपका आया हुआ है, कब का आया हुआ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 30,000 रुपये इनके बैंक में आ गए हैं। पहले क्या दिखा रहा था, अभी मैंने आपको दिखा था पहले आपका यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट दिखा रहा था, काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी, अब इनका पैसा आ गया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी है। तो सारी चीज़ें लाइव है, आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। और जैसे भी देखिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बच्चे कई तरीके से चेक करते हैं, चेक नहीं हो पाता है, तो आपको सारी चीज़ें लाइव देख करके अगर आपका NSP के थ्रू स्कॉलरशिप है तो आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।